आजकल मैं पीढ़ी की बात करूँ, आजकल की पीढ़ी जो है वो मुसीबतों का सामना नहीं कर पा रही है। मैं बात कर रहा हूँ तनुषा शर्मा की, जो कि बहुत कम उम्र में उनके बारे में कहना चाहूँगा। देखिए उनकी ज़िंदगी में क्या रहा होगा एग्जैक्टली नोबडी नोज़, बट इतना ही कहूँगी कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट हाइज एंड लोज़। आप जब बहुत खुश होते हो तभी भी आप इतना मतलब ना उड़ो कि यू नो थिंकिंग दैट देयर इज़ नो टुमारो, बिकॉज टुमारो यू माइट अगेन सी अ लो फेज़। और सिमिलरली जब आप लो फेज़ में चलते हो ये मत सोचो कि यही ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, बिकॉज देयर इज़ अ हाई फेज़ अगेन, बिकॉज ऐसे ही एक फ्रीक्वेंसी में चलता है। तो इस चीज़ को अगर दिमाग में बिठा लेना, तो अक्सर ऐसा होता है कि मतलब हम भी बहुत ऐसा लगता है हे भगवान हमारे साथ ही क्यों, बट देन दैट फेज गोज़ अवे। सो जस्ट इट्स ऑल अबाउट होल्ड ऑन फॉर अ लिटिल बिट मोर। और साथ ही आप रियलिटी शो के भी हिस्सा रह चुकी हो, तो बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो जानना चाहूँगा। बिग बॉस कितना फॉलो कर रही हूँ, बिग बॉस फॉलो करती हूँ। टॉप थ्री में कौन आ सकता है आपको कुछ आइडिया? मुझे तो लगता है प्रियंका, शालिन का तो मुझे लगता है हर एपिसोड खोलती हूँ तो शालिन को या तो डांट पड़ रही होती है या उसकी तारीफ हुई हो रही होती है, तो जैसे भी हो वो हमेशा न्यूज़ में होता है, बिग बॉस खोलते ही वो दिखता है, तो वो तो होगा। और तीसरा आई एम नॉट श्योर, मे बी शिव, मे बी या मे बी शिव। शालिन और टीना का जो फेक लव चालू है, आपने मेरे मुंह पे डाल दिया। शालिन और टीना का कैसा लव चालू है मुझे नहीं पता, पर ये है कि दोनों को ही मैं जानती हूँ, और इसलिए मैं इतना भी नहीं जानती हूँ कि मतलब एग्जैक्टली उन लोग के दिमाग में क्या चल रहा है। एक्चुअली दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों को प्यार हो रहा है, लेकिन दोनों बहुत कैमरा कॉन्शियस होके फिर सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे और फिर दूर चले जा रहे हैं, तो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। तो बिग बॉस का घर में बहुत कम लोगों की लव स्टोरी प्योरली शुरू हो पाती है, बाहर आने के बाद अगर दोनों एक दूसरे को प्रॉपरली मिले और शुरू हो तो मुझे लगता है अच्छा लगेगा। पर मैं क्योंकि दोनों को जानती हूँ तो इसीलिए मैं अलग से कुछ बताना नहीं चाहूँगी, मुझे लग रहा है बहुत दोनों कन्फ्यूज़ हैं।